सो हाय एवरीवन, मैं हूँ नामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कॉफ़ी मग रीडिंग। मैंने काफ़ी टाइम से ये रीडिंग नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज कॉफ़ी मग की जाए। ठीक है, उससे बहुत लोग पूछ भी रहे थे और आज भी पूछा, कल भी पूछा था मेरे से, बहुत टाइम से मैसेज भी आ रहे थे कि कॉफ़ी मग रीडिंग, कॉफ़ी मग रीडिंग। सो यहाँ पर आप दो देख सकते हैं कि मैंने जो है यहाँ पे दो पाइल रखे हुए हैं। सो आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पाइल है हमारे पास ये ग्रीन कैंडल, आप देख सकते हैं। सो ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है ये है पाइल वन, एंड जो ये रेड कलर का कैंडल है वो है पाइल टू। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं। सो जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल वन और पाइल टू, वॉट एवर, सो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम शुरुआत करेंगे पाइल वन से, विच इज़ ग्रीन कैंडल। एंड दूसरी बात की जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहां जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड जिसको भी रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चाहिए लाइक दिस, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे ही पिंग करें, कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं एंड इसके प्राइजेस जान सकते हैं। ठीक है, एंड थैंक यू। और हम उसके बाद अपने कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कार्ड्स यूज़ नहीं करेंगे। सो पाइल वन फॉर जिन्होंने ये पाइल वन सेलेक्ट किया है ग्रीन कैंडल्स, उनके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, सो चेक करते हैं हम। ओके, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए ताकि आपको जो है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सुनने को मिले। सो थोड़ा सा मेडिटेट करिए, लाइक मैंने ये कैंडल बर्न किया है तो आपके लिए ही किया है ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, सो हम चेक करने वाले हैं ये। सो ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, 200% कन्फर्मेशन है ये कि आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। सेपरेशन हुआ है, एकदम से चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ये वाली एनर्जी सबसे पहले मुझे निकल के आई है। एज़ यू कैन सी द टावर मूवमेंट है। ठीक है, दूसरी बात मुझे लग रहा है कि आप बहुत हंसने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत टाइम से हंसने की कोशिश कर रहे हैं, एंड फेक स्माइल आपके चेहरे पे है। ठीक है, दूसरा मैसेज ये मेरे पास जो है वो आया है, अभी और देखते हैं। लेकिन पहला जो मैसेज था वो यही है कि टावर मूवमेंट इन योर लाइफ। घर में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, रिलेशनशिप ख़राब हो गया, टूट गया, डाइवोर्स भी हो सकता है, कई लोगों का हो गया है, सेपरेशन मोड है फुल। यहाँ पे फुल सेपरेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंड यू हैव अ फेक स्माइल ऑन योर फेस राइट नाउ। ठीक है, सो यू वॉन्ट टू क्राई, यू वॉन्ट टू क्राई। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ रहा है, रोना ठीक है, एक दिन रो लो, लेकिन किसी चीज़ के लिए एक दिन जी भर के रो लो, उसके बाद ठीक है। होता है कि हम किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं तो हमें थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है निकलने में, बट इफ़ वी कैन ट्राई एवरी टाइम तो हम निकल जाएंगे उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। ठीक है, ओके, और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी ने आपका मन डाइवर्ट किया है, या फिर मुझे लगता है कि किसी ने आपके पार्टनर का मन डाइवर्ट किया है, या फिर मुझे ऐसी भी यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है कि मतलब मन डाइवर्ट इन द सेंस कि किसी ने कुछ बोला, इन्फ्लुएंस में आना, इन्फ्लुएंस हो जाना किसी से, वो पर्सन हुआ है इस वजह से आपकी लाइफ में जो है टावर मूवमेंट आया है। एंड उसको अभी क्या हो रहा है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है अब कि उसको अभी रिग्रेट फील हो रहा है। आपको भी हो सकता है, अगर आपने किसी के साथ ऐसा चीट किया है या धोखा दिया है, तो आई थिंक आपको रिग्रेट फील हो रहा है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा, एंड यू वॉन्ट टू क्राई, यू वॉन्ट टू मीट, यू वॉन्ट टू मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी और बोलती हूँ, देखते हैं कि क्या आता है इसमें निकल के। पता है मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी रिसीव हुई है पाइल वन से। You want to live free right now, आप चाहते हो भागना किसी चीज़ से, या फिर आप भागना चाह रहे हैं, या फिर आपका पार्टनर भागना चाह रहा है, किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है। एंड अभी मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही नज़र आ रही है कि आपका पार्टनर ना थर्ड पार्टी से मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है, अगेन आपके पास कम बैक करना चाहता है, बट उसकी हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कम बैक करने की, या फिर आपकी हिम्मत नहीं है कम बैक करने की, किसी की ज़िंदगी में वापस जाने की।
मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहते नहीं आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, एक शेल मतलब एक एरिया अपना जो है ना कवर्ड कर लिया है। सीधी सी बात है कि किसी की एंट्री नहीं है अब, लाइक जो आपका एक्स पर्सन है या फिर कि जिसके या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर सोच रहा है कि अगर आपके पास आएंगे वो तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं एंड उनको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अभी इस टाइम। ठीक है, मुझे दूसरा मैसेज यही निकल के आया है। सॉरी सॉरी, ओके। सो कहीं ना कहीं आई एम सीइंग कि यहाँ पे फोर ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे रिसीव हुई है, तो आई थिंक कि आप जो है किसी बात को लेके बैठे हुए हैं एंड आप उस चीज़ को नहीं, आप उससे कम आउट नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, आप नहीं निकल पा रहे हैं कि आपके साथ ऐसे क्यों हुआ है, क्या चीज़ें हो गई हैं इस तरीके की। मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि अगर आप जाते हो अपने पार्टनर के पास, चाहे आपका पार्टनर आपके पास आता है, तब भी हैवी एनर्जीज हैं एंड मुझे लगता है कि इस रिश्ते को सुधारना अभी बहुत डिफ़िकल्ट होगा या हो रहा है, क्योंकि मे बी ऐसा 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 नज़र आ रहा है मुझे, लाइक कि कहते नहीं सारे जगह वो बात फैल सी जाती है ना, लाइक फैल गई हो कि सारी जगह बात की आपका सेपरेशन हो गया या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी ना बहुत लोगों के पास ये बात है। ठीक है, एंड यहाँ पे और देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे मूवमेंट है ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो बिल्कुल डर रहा है, बहुत ज्यादा डर रहा है या फिर आप डर रहे हैं, क्योंकि एक्शन की स्थिति यहाँ पे नहीं नजर आ रही है मुझे अभी राइट नाउ अगर हम देखें तो नहीं। ठीक है, अच्छा आपकी लाइफ में ना आप बैलेंस बनाना चाहते हो, हमेशा ही गड़बड़ हो जाता है राइट। बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी है यहाँ पे। सीधी सी बात है, आपने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि अगर वो आएगा तो उसको आप आने नहीं दोगे, क्योंकि अगर वो इन आउट करेगा तो इससे आपको प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आपको होगी प्रॉब्लम, क्यों नहीं होगी भैया, होगी ही। इन आउट वाले लोगों से तो वैसे भी दूर रहो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई लोग सोच रहे हैं कि बढ़िया सा कश्मीर वश्मीर घूमा जाए। ठीक है, सो ऐसी भी मुझे ऐसी एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। आपके बहुत दुश्मन हैं, और दुश्मन तो छोड़ो, एक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि एक नहीं आपकी लाइफ में ना ऐसी तबाही मचवा दी है, लाइक एक पर्सन कोई ऐसा होगा जो नहीं चाहता था कि ये जो आपका रिश्ता है वो आगे तक जाए, उसने बहुत अच्छे से आपको बातों में घुमा के या फिर आपके पार्टनर को बातों में घुमा के सारा खेल कर दिया एंड इस रिलेशन का एक तरीके से एंड कर दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके पास यहाँ से ना आपके पास सल्यूशन है निकलने का, आपके आप निकल सकते हो इस पर्सन से, इस पर्सन से आप मूव ऑन कर सकते हो, क्योंकि उसकी उसकी जो एनर्जी अगर हम देखें तो उसकी एनर्जी काफ़ी हैवी है एंड मुझे लगता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को हो सकती है, अगर आपकी एनर्जी उससे मैच करती है तो मतलब स्विच कर लिया करो, मैं हमेशा बोलती हूँ स्विच कर लिया करो एनर्जी। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके पास कोई भी सल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, बट आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि उसके पास सल्यूशन है बट उसने एक बाउंड्री सेट करके रखी है, वो भी नहीं निकल पा रहा है, लेकिन हाँ वो उसको वो एंटर भी नहीं करने दे रहा है आपको अपनी लाइफ में, या फिर आप उसको ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में उसको एंटर नहीं करने दे रहे। दो में से ऐसी एक कंडीशन यहाँ पे बन रही है 100%। ठीक है, आपके रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं एंड आई कैन सी कि यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके जो विचार थे वो भी बिल्कुल डिफरेंट थे। आई थिंक अगर आप कुछ और सोचते थे तो आपका पार्टनर बिल्कुल अपोजिट सोचता था, ये मैसेज एक और आया है। कई लोगों से रेजोनेट कर सकता है, कई से नहीं, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स अ टाइमलेस। ठीक है, तो ये कॉफी मग जो रीडिंग है वो टाइमलेस है।
एंड एक और चीज़ है कि आपका जो पार्टनर है ना अभी भी आपकी साइड देख रहा है एंड चाहता है कि आप उसकी लाइफ में ना आओ, लेकिन आपने मन बना लिया है कि नहीं, अब वो पार्टनर मुझे नहीं चाहिए है। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर आपको कोई लव केयर रिस्पेक्ट नहीं देगा तो डेफिनेटली आप मूव ऑन ही करेंगे, क्योंकि आप ऐसे तो हैं नहीं कि उसके लिए ही हमेशा वेट करते रहेंगे या बैठे रहेंगे। कुछ भी ऐसी एनर्जी वैसे भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक जो आपको पहले से लव रिस्पेक्ट केयर नहीं करे वो बाद में जाके क्या करेगा, राइट? सो हम आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। सो आप पॉजिटिव रहिएगा कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। दो मैसेज हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके सो यूनिवर्स मुझे मैसेज दे दीजिए। आपके जो पार्टनर है ना उनको ऐसा लगता है कि यू आर द वन जिनको उनकी लाइफ में सच में होना चाहिए, एंड सक्सेस का कार्ड आया है एंड ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने बोला, आपके पास कमबैक करना चाहते हैं, आपके पास एक ऑफर देना चाहते हैं, यू आर विथ फुलफिलमेंट गाइज सीरियसली, बट डर है कहीं ना कहीं विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स, बहुत डर है उनको इस चीज़ का कि अगर आपके पास कमबैक करते हैं आते हैं, क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन जिसको अभी उनको रियलाइज़ हो रहा है, फील हो रहा है कि आप उनकी कितनी केयर करते थे, कितना लव करते थे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने आपको नहीं समझा, उन्होंने आपको नहीं पहचाना और उन्होंने एक गलत स्टेप ले लिया एंड उनकी ही वजह से ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे सक्सेस मिल सकती है ऐसा उनको फील होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको डर है, बहुत डर है कि ऐसा ना हो कि आप उनको वो आपको कुछ ऑफर करें एंड आप एक्सेप्ट ना करें, वो डर भी एक नज़र आ रहा है। मे बी आपका ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को कुछ ऑफर करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर एक डर है कि क्या पता वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो आई थिंक आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं और आप मतलब वो आपकी हैं, तो यहाँ पे वाइस वर्सा कर सकते हैं। सो यस, एक आपके साथ पूरी दुनिया बसाना चाहते थे बट सिचुएशंस ऐसी हुई कि वो सब गड़बड़ हो गया एंड उनके कारण ही हुआ है ये, उनको पता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर जिन्होंने ये पाइल वन सेलेक्ट किया था, लाइक ग्रीन कैंडल, सो थैंक यू गाइज। सो इसको हम कर देते हैं साइड में। ओ गॉड बहुत तेज है भाई। ओके सो जिन्होंने अभी रेड इसको यहाँ, मैंने सोचा कि थोड़ा सा अच्छा फील होगा आपको, इसलिए मैंने ऐसी रोज पेटल्स यहाँ पे। ठीक है, सो पाइल टू जिन्होंने ये रेड कलर का कैंडल सेलेक्ट किया है, सो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। यू कैन सी रेड कैंडल, सो आई हैव टू लाइट द कैंडल एंड पॉजिटिव रहिए। भैया आज क्या हो रहा है, बहुत तेज गुस्सा हो क्या आप? गुस्से में हैं आप इस समय? देखिए इसकी फ्लेम देखिए आप और उसकी फ्लेम क्या थी, एकदम से कितनी तेज ना। ओके सो गुड लक, ऑल द बेस्ट। ओके सो व्हाट आई एम सीइंग, पहला मैसेज जो मुझे निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि आप जो हैं वो एक एक करके स्टेप ले रहे हैं आगे लाइफ में। ठीक है, एंड मुझे लगता है कि आपके पास ना एक छत है, लाइक आपके पास अभी भी ऐसा लगता है आपको किसी भी चीज़ में आपको अभी भी होप है। ठीक है, दूसरा मुझे मैसेज आया है वो ये निकल के आया है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, जॉब मिलने वाली है एंड आपके जो रास्ते ब्लॉकेजेस हो चुके, मतलब ब्लॉकेजेस थे आपके रास्ते में, वो खुलने वाले हैं। एंड मुझे लगता है कि किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड उसकी फ़ोटोज़ आप बार बार देख रहे हैं, ऐसा मुझको निकल के आया है मैसेज।
अगर आपको ये जो रीडिंग है मेरी रेजोनेट करती है तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजना मुझे। मुझे सबसे पहले जो मैसेज आया था वो ये, एंड मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि ऐसा भी है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आपको घेर के रखे है, या फिर कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो बहुत नेगेटिव हो आपके अराउंड एंड आपको लगता है बट आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा ऐसा था कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए हैं, लाइक वेव्स नहीं होती हैं लहरें, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। बट यू आर मिसिंग योर पार्टनर एंड मुझे लगता है उसके आप बार बार फोटोज़ देखते हैं, कहीं ना कहीं से स्टॉक करते हैं आप बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा क्यों फील हुआ या मुझे ऐसा दिख रहा है जो इसमें, वो ये दिख रहा है कि अगर आप और आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं या फिर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मतलब जो तीसरा व्यक्ति है वो आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर तो यस ऐसा है यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर हैं अगर वो चाहते हैं आपसे मिलना या कुछ भी इस तरीके का, तो आई थिंक वो किसी को बोल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे आपको मनाने के लिए, एंड यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं आपकी ओर, ठीक है। यहाँ पे क्लेवर एनर्जी भी निकल के आई है, सो हो सकता है आपका पार्टनर बहुत क्लेवर हो एंड नहीं सोचता है, वो बहुत चालाक है, आपके जो पार्टनर हैं बहुत चालाक हैं या फिर आप चालाक हैं, दो में से कोई एक तो बहुत क्लेवर है यहाँ पे। एंड मुझे तीसरा मैसेज ये निकल के आया है कि आप जिसके साथ भी नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो ये चाहते हैं कि आपसे अगेन कांटेक्ट किया जाए, तो वो किसी को बोल रहे हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आ रही हैं या आ रहे हैं कि आप उससे बात मत करो, अब क्या फ़ायदा, अब क्या फ़ायदा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपको भी कोई रोक रहा है कि बात ना करने के लिए, या कोई सजेशन दे रहा है यहाँ पे। गेट टुगेदर होने के चांसेस हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, एंड मुझे लग रहा है कि कोई फंक्शन में, ऐसा ना हो कि कोई फंक्शन में आप दोनों मिल जाएं, वो भी यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को मैसेज समझने दो, आई विल टेल। यहाँ पे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है आपके साथ कि सारी चीज़ें जो है ना वो एकदम से ख़राब हो गई हैं, एंड जो आप नहीं चाहते थे वो भी हो गया है। एक्चुअली ऐसा नहीं चाहते थे आपकी कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, बट वो हो चुकी है, ठीक है। एंड ऐसा है भी सबके साथ है, ये फैक्ट ही है, अपन जो नहीं चाहते कभी कभी तो वो हो ही जाते, क्योंकि अपन अट्रैक्ट करते हैं उसको कि पता नहीं ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा हो ही जाएगा, वो सोचते रहते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती ही है। ओके, दूसरा, हाँ जो मैंने मैसेज देखा था वो ये देखा था कि आई थिंक यहाँ पे कोई बिजनेस करने का सोच रहा है, आप जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा सा, ऐसा नहीं छोटा मोटा की दुकान खोल ली या कुछ भी शॉप चला रहे हैं, कुछ भी इस तरीके की एनर्जी नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्री वगैरह नहीं होती हैं भले ही छोटे रूप में, बट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बड़े रूप में नज़र आ रही है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे या फिर तो जिनकी जिनके फादर हैं या जिनकी फैमिली, मतलब जो आप हैं, तो हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री वगैरह हो, तो मुझे वो वैसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है, बिजनेस डालने का आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। एज आई कैन सी, एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कई लोग तो फोर्ट घूमना चाहते हैं, किला घूमना चाहते हैं, लाइक उनको बहुत क्रेविंग हो रही है कि मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और एक मैसेज मुझे ये आया है कि यू वॉन्ट टू ग्रूम योर सेल्फ, तो मुझे लगता है कि आप अपनी ब्यूटी पे भी ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बन जाए, जिम जाने की कोशिश, सोच विचार बहुत चल रहा है, एक्शन ले लो फिर।
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में जब खुशियाँ मिलती है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड आई थिंक कि छोटी चीज़ों में हम जब खुश होते हैं तो हमको कभी ज़्यादा दुख नहीं होता है। एंड बहुत लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो बहुत टाइम से चीज़ें उनकी लाइफ में ख़राब चल रही हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग यहाँ पे है ना सोचते हैं कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ दिया है, मेरे पार्टनर से मेरी शादी नहीं हुई है, मेरा इतने साल से रिलेशन था, या कुछ भी इस तरीके की एनर्जी, तो ऐसा मुझे फील होता है कि कहीं ना ये चीज़ें पहले हो रही हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाके आपको एक सेटल्ड वाली ज़िंदगी मिलती है। सीधी सी बात है, यहाँ पे ये फैक्ट भी है और मैंने देखा भी है कई लोगों का कि जिनकी लाइफ में पहले प्रॉब्लम्स आती है ना बाद में ना सही हो जाती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मूवमेंट है इस पाइल में। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे, या फिर आप जो चाह रहे हो ना, जैसे कि मैंने बोला बिजनेस का मुझे यहाँ पे काफ़ी नज़र आ रहा है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप चाह रहे हो। एंड शंकर जी की पूजा करो भैया, जो लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे लड़के देख रहे हैं चाहे लड़कियाँ देख रही हैं, तो आप लोगों को शंकर जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। शिव जी से मांगो यार, वैसे भी भोले बाबा हैं वो, वैसे भी देंगे ना तुमको। उनको सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करो एक बारी, कैसे नहीं सुनते, सब सुनेंगे। ओम का चैंट किया करो, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कार्ड से कि आपके लिए क्या मैसेज निकल के आते हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। एंड जिसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। एंड जिसको भी मुझसे ब्रेसलेट चाहिए है सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे ही, ठीक है। और जिनके ऑर्डर्स थे ना वो पहुंच जाएंगे 2-3 दिन में, ठीक है। सो आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे होंगे आई थिंक, सो पहुंच ही जाएंगे। सो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको ऑफर रिसीव हो रही है, बट आप जो हैं अपनी पीछे की चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं, नहीं छोड़ पा रहे हैं, एंड आपको बहुत प्यारा सा ऑफ़र जो है ना रिसीव हो रहा है। अगर आप अपनी थर्ड सॉरी अगर आप अपने पास्ट से नहीं आएंगे ना, तो चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपका फैमिली लाइफ हो, वो सब बेकार हो जाएगी। एंड द हर्मिट एनर्जी, सो कहीं ना कहीं आपको अभी भी उस पर्सन से होप तो है कि वो आएगा आएगा, बट ही इज़ इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन। द लवर्स का कार्ड हमारे पास आया है, सो आई थिंक थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑप्शन सोच रहा है वो कि आपसे एक बार कनेक्ट किया जाए, ठीक है। देखो कोई चीज़ अगर ऑप्शन में होती है ना तो वो अच्छी नहीं होती है आई थिंक सो। बाकी तो भैया आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं तो आऊँगी बता दूंगी जो मुझे लगेगा, एंड देन यू विल डिसाइड वॉट टू यू रियली वॉन्ट इन योर लाइफ। सो एक दो मैसेज और देखते हैं हम। आपकी लाइफ में ग्रोथ तो है, पार्टनरशिप में आप काम करना चाहते हो क्या? आई थिंक सो पार्टनरशिप में आपका काम मुझे नज़र आ रहा है। एंड अभी भी ओ माय गॉड अभी भी आपकी फीलिंग ऐसी है कि आप अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो, जबकि वो अच्छा इंसान है ही नहीं। विद हाई प्रीस्टेस, सो मुझे लगता है ही और शी इज़ वेरी मिस्टीरियस टू यू, एंड वो उतना आपको नहीं इतना ध्यान देती हैं या नहीं इतना केयर करती हैं, स्ट्रिक्ट काफ़ी हैं, काफ़ी गुस्से वाली हैं। आप क्यों अपनी बातें छुपा रहे हैं? देखो मैं जितने भी लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो मैं उन सभी को बोलना चाहूँगी, भले ही आपके दिल में कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, ठीक है, आपको लगे कि अगर आप घर में बताओगे तो मार खाओगे या डांट खाओगे, कोई बात नहीं ना, तो अपने मम्मी पापा हैं, अगर डांट दिया मार दिया, लेकिन उससे ज़्यादा बोझ अगर आप अपने दिल में रखते हो तो वो आपको कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये सोचो। क्योंकि अगर आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में प्रॉब्लम, तो मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए कि अपनी माँ को जाके सबसे पहले हर चीज़ बता दो जो आपके दिल में है, अब हर चीज़ बता दो, हर चीज़ बता दो उनको, जो जो आप चाहते हो वो बता दो, जो नहीं चाहते हो वो बता दो, सब कुछ बता दो। बट बहुत सारी चीज़ों को ना अपने दिल में दबा के मत रखो, क्योंकि अगर आप रखोगे ना तो आप परेशान होगे, है ना, और आप परेशान होगे तो वो चीज़ आगे जाके बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसी चीज़ क्रिएट हो सकती है जिससे आप शायद ना निकल पाएँ उससे पहले ही। और किसी को मत बताओ, मैं सच्ची बोल रही हूँ, किसी को भी मत बताना, दोस्त यार वगैरह किसी को भी मत बताओ, सिर्फ अपनी मम्मी को बताओ जाके। डांट भी खाओगे और सल्यूशन भी मिल जाएगा, कितनी भी डांट देंगी वो, कितना भी आपको पिटाई भी लगा देंगी उसके बाद भी आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से अपनी मम्मा से जाके शेयर करो, क्योंकि मम्मा बहुत प्यारी होती हैं, भले ही अपन कुछ भी बोलो, कभी कभी तो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हाँ उनको
से ही शेयर करते हैं हम अपनी सारी चीज़ें। मैं तो भैया शेयर करती हूँ उनसे बहुत सारी चीज़ें। एंड मैंने जैसे कि बोला था कि यू वॉन्ट टू ग्रूम योर सेल्फ, सो यहाँ पे एक कार्ड निकल के आया है एंड आप काफ़ी सुंदर दिखते हैं, सो आप अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो गो फॉर इट, इट्स गुड फॉर यू, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, लेकिन आप अपने मन में ज़्यादा चीज़ों को रखो मत, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। लास्ट मैसेज, इतने सारे तो हम नहीं लेंगे, देखो अभी भी आपके दिल पे बहुत बोझ है। मैं एक कार्ड आया था लेकिन मैंने उसको लिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बोझ है आपके दिल में, बहुत ज़्यादा। अरे यार कार्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, इतने सारे अभी भी मेरे को दूसरा कार्ड भी यही आया तो मैं उसको ही लूँगी, ठीक है। एंड देखो आपका पार्टनर ना आपको परफेक्ट नहीं समझता है, बस वो इन आउट करना चाहता है, सो डोंट गो देयर, मत जाना, अपनी लाइफ में एक आगे बढ़ो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर कनेक्टिंग विद मी, एंड प्लीज़ गिव मी योर फीडबैक ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड मतलब कॉमेंट में करो, क्या बोलती हूँ कभी कभी, ठीक है। सो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपसे रेजोनेट हुआ है। एंड वन मोर थिंग, इसको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड आपको मुझसे ब्रेसलेट चाहिए है सो यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप टू बाय। थैंक यू सो मच गाइज़।